इस सभागार में यत्र तत्र यहाँ वहाँ तमाम कोरोना वायरस की तरह फैले श्रोताओं को विशेष प्रणाम करता हूँ। इन बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ। मंच पर तमाम बड़े कवि अग्रज विराजमान हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित तमाम माताएं बहनों को प्रणाम करता हूँ। कुर्सी, टेंट, पंडाल, माइक, लाइट सबको प्रणाम करता हूँ। दरअसल कटनी वालों, में इतना प्रणाम मैं इसलिए कर लिया करता हूँ कि जब आप लोग रात को घर वापस जाएं तो आपस में ये चर्चा करें कि कभी तो 10-12 आए थे मंच में, लेकिन पढ़ा लिखा और संस्कारित रीवा वाला अमित शुक्ला ही था। आनंद के साथ रहिएगा। ये बच्चों को थोड़ा देर बैठा लीजिए, इनका विशेष प्रणाम। ये देश के भविष्य हैं, लेकिन हम कवियों का वर्तमान चौपट करने में हमेशा लगे रहते हैं, तमाम दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज माता जी लोग आई हैं तो मैं निश्चिंत हूं कि बच्चे शांत हो जाएंगे। बच्चों को चुप कराना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब माता जी लोग ठान लेती हैं तो बच्चे इनके पिताजी हम तक को चुप होना पड़ता है। आनंद, हाँ दिक्कत ये बच्चे तमाम गड़बड़ कर देते हैं। मैं कल गोंडा में कार्यक्रम दे रहा था तो एक बच्चा रोया, तो मैं उसकी माता जी से बोला, मैंने कहा भाभी जी बच्चे को चुप करा लीजिए, पूछिए ये इतना क्यों रो रहा है। बोली हमारा बच्चा भी यही कह रहा है कि ये जो बोल रहा है इसको चुप करा लीजिए। बहुत सुंदर भाई, क्या बात है। तमाम दिक्कतें हैं, कभी मंच पर साफा लगा लगा के एक लाइन से इस प्रकार बैठ गए हैं जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए हों। मुझको भी ये साफा पहनने में उसी दिन आनंद की अनुभूति हुई थी जब मैं इसको पहली बार धारण किया था। उसके बाद से ये साफा नहीं, मेरे गले में फांसी का फंदे लगता है बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ सब फंदे वाले हैं भैया। बार बार सुधीर भैया ने बताया कि मैं रीमा की धरती से आया हूँ, रीवा वाइट टाइगर की धरती बजानी जाती है जैसा इन्होंने बताया। ये अलग बात है कि कुछ माताएं बहने सोच रही है कि वाइट टाइगर की धरती से ये ब्लैक चिंपैंजी कहां से बुला लिए हैं। लेकिन दिक्कत मत महसूस करिए, ये सुधीर भैया और तुषार भैया के कहने में मैं कभी सम्मेलन में आया था कटनी, उसके बाद से मैंने कसम खा ली थी कि मैं कटनी कभी नहीं आऊंगा, मेरे साथ समस्या हो गई थी। आज भी मैं आया हूं, अगर आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं दोबारा कभी कटनी नहीं आऊंगा। सच घटना बता रहा हूं, नवरात्रि के कवि सम्मेलन में ये हमको बुलाए थे। अब देखिए मेरा चेहरा और सुनिए मेरी वाणी को, नजर मेरे चेहरे पे, कान मेरी वाणी पे। तो नवरात्रि के कवि सम्मेलन में ये लेके आए, देखिए हमारे चेहरे से नजर मत हटाइएगा। और ये होटल से जैसे ही हमको लेकर के चले तो 4-5 लोग डंडा लेके खड़े हो गए, बोले ये आपका कौन है। तो ये बोले हमारा छोटा भाई है। क्यों, बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो ये पूछे कि चंदा उंदा चाहिए, बोले चंदा उंदा नहीं चाहिए, ये बताइए ये आपका भाई 9 दिन के लिए खाली है क्या। ये हैरानी में आ गए, बोले आखिर तुम इसका करोगे क्या 9 दिन तक, नजर चेहरे से मत हटाइएगा। ये बोले आखिर करोगे क्या 9 दिन का, बोले भैया हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट, टेंट, पंडाल, माइक सब की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सुंदर भाई। तो अगर ये 9 दिन के लिए खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। इस तरह के भी लोग अगर जरूरत पड़े तो मुझको घर ले चल सकते हैं आप लोग। मैं विशेष प्रणाम करता हूँ, अगर कोई पुलिस के लोग विद्यमान हो तो मैं उसे विशेष प्रणाम करता हूँ। हालांकि रवि दादा के होते हुए ये कहना बिल्कुल सच घटना के बराबर है। मैं इसलिए पुलिस वालों को काव्य पाठ के पहले प्रणाम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया है कि जब कोई ढंग का काम करो तो बुरी आत्माओं को पहले प्रणाम कर लिया करो। बहुत सही भाई, क्या बात है, बहुत सही। यकीन मानिए सच घटना बता रहा हूँ, रवि दादा जानते हैं, मैं उनसे ये समस्या बताया हूँ। मुझे भी शादी के पहले जब देशभक्ति का भूत चर्राया था ये फैजान की तरह, शादी के पहले ही देशभक्ति जो कुछ हो सकती है हो सकती है, शादी के पहले ही देश बदलने की बात होती है, विवाह के बाद तो फिर टीवी का रिमोट चैनल तक नहीं बदल सकते हैं। देशभक्ति करने का मुझको भी जब भूत सवार था तो मैं जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया, रवि दादा भी उस समय थे ड्यूटी पर, तो सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे, बोले छाती में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हमारा खून देशभक्ति से उबल रहा था, हम कहे लहू का कतरा कतरा दे देंगे और क्या करेंगे, तब भी खुश नहीं हुए, बोले दोबारा ठीक से फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती होगे। हम कहे साहब आखिरी सांस तक लड़ सकता हूँ और क्या करूंगा, बोले अंतिम मौका दे रहा हूँ, ठीक से फीता लगा छाती में, अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम रवि दादा छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम कहे साहब ऐसा है कि हम 1.5 लाख तक दे सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
जो हो सकता है वो कर सकते हैं, अब इससे ज्यादा क्या मतलब। ज्यादा आनंद से रहिए, थोड़ी इसी प्रकार हम धीरे धीरे धार्मिक टाइप की बातें करेंगे। ये माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ इधर भैया लोग भी आए हैं, सपत्नीक जो लोग आए हैं, भाभी जी की वजह से इस प्रकार डरे हुए हैं जैसे तमाम मुंह बना करके कई साल तक सरकार चलती रही। मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, आज की शाम आप लोग बिल्कुल ये मत मानिएगा कि भाभी जी के साथ आए हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं भाभी जी आपका। भैया लोग जब शादीशुदा लोग जब पत्नी के साथ आते हैं ऐसे मुंह बनाए रहते हैं, सोचते हैं यहां ज्यादा बाह बाह कर लेंगे तो घर जाके आह आह न करनी पड़ जाए। लेकिन बहुत सुंदर भाई, चिंता मत करिएगा, अगर भाभी के साथ आए तो मैं वादा करता हूं आज की रात भाभी जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं वादा करता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जाने के बाद आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, ये भी बात नहीं है। क्या बात है, बहुत नहीं, आनंद के साथ ये पूरी रात, कभी लोग अभी आएंगे, ये पूरी रात नेताओं को कोसेंगे राजनीति पर। राजनीति कोई विषय है ही नहीं बात करने, और वो भी हमारे मध्य प्रदेश में इस समय राजनीति बात करने का कोई विषय है ही नहीं। मैं परसों अभी रवि भैया मैंने फोन लगा दिया सीएम हेल्पलाइन में, मैंने कहा कि मैं सीएम हेल्पलाइन में अपनी समस्या के समाधान के लिए फोन लगाया हूं, तो उधर से एक महिला ने आवाज की, बोली इस समय सीएम स्वयं समस्या से ग्रस्त है। तमाम तरह की दिक्कतें, समस्याएं, राजनीति कोई विषय की बात नहीं, तमाम तरह के प्रलोभन आते हैं। सच बता रहे हैं विपिन भैया, समय तमाम तरह के प्रलोभन। हमारे यहाँ पिछले साल चुनाव हुआ तो एक नेता जी चुनाव प्रचार करने आए तो बाहर से ही खड़े होकर बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए विकास होगा, इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए विकास होगा, तो अंदर से एक चाची निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। हाँ, दिक्कतें। एक नेताजी और चुनाव प्रचार बाहर से बोले क्या समस्या है आपके यहाँ, हमके कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ साहब, कांग्रेस की सरकार आई थी सब है हमारे यहाँ, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। केवल शमशान नहीं है हमारे शहर में, कोई बुजुर्ग जब गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती, शमशान नहीं है। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए एक एक घर में शमशान बना देंगे। सही भाई, क्या बात है, बहुत प्यारे जियो। चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनेगा निवेदन करता हूँ, धीरे से मुझको चालू कर दीजिएगा 5-7 मिनट के लिए, निवेदन करता हूँ। ये बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, ये अपना काम करेंगे, निवेदन करता हूँ सुनेगा। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ, उभरता हुआ पति। हाँ, सच घटना बता रहे, एकदम। एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। तो चार पंक्तियां वहीं से समर्पित करता हूं, सुनेगा। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़े पे क्यों जाता है। एक शोध मेरे मन में आया कि आखिर दूल्हा घोड़े घोड़ी पे ही क्यों जाता है, गधे पे क्यों नहीं जा सकता, चार पैर का तो गधा भी होता है, आज ये सब दूल्हा बने हैं। आप चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनेगा। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़े पे क्यों जाता है। उसने कहा जो यार याद मत दिलाइए, सोच कर उस दिन को आंसू आ जाता है। राज की बात यह मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि कुंवारों को न बतलाया जाता है। और अंतिम बार घोड़े पे वो चढ़ता बेचारा है, उसके बाद खुद ही गधा बन जाता। क्या बात है, इतनी बहुत सुंदर, इतनी तन्मयता से इस इन पंक्तियों में आपने तालियां बजाई हैं, लग रहा है मैंने आपका चरित्र चित्रण बांचा है। गला मेरा थोड़ा प्रभावित है, 8 तारीख से लगातार यात्रा में हूँ। मैं मनोहर दद्दू से बोला, मैंने कहा दद्दू मेरा गला खराब है, ये देश के बड़े व्यंगकार हैं, इन्होंने कहा कि अमित मैं तुमको अपना गला दे तो देता, लेकिन तुमको कहीं लोग दो गला न कहने लगे। नहीं भाई, बहुत। चार पंक्तियां और सुनिएगा, निवेदन करता हूँ चार पंक्तियां। ये फैजान मुझसे पूछता है कि भैया शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शादी क्या है, चार पंक्तियां सुन लीजिएगा जो कुमारे बैठे, निवेदन करता हूँ। कि शादी नाम का ये पेड़ा खाए, जो वो पछताए नहीं, खाने वाला कुछ ज्यादा पछताता है। दूसरों की शादी देख सोचता है दिन रात,
सपनों में घोड़ी चढ़ के बरात जाता है। और अंतिम पंक्ति दो पंक्तियां हमारे लिए, सपनों में घोड़ी चढ़ के बरात जाता है, मन में बसा के किसी सुंदरी की सूरत को, हंसी खुशी जीवन में आग वो लगाता है। और अंत में जब उसकी हो जाती है मति भ्रष्ट, अपने लिए वो तब श्रीमती ले आता है। बहुत मन से आप सबने सुना, चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं। पिता भी बैठे हैं, पुत्र भी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि ये होली का उत्सव है, आप सब कुछ अच्छी बातें भी हो सके। ये हिंदुस्तान वो होली का त्योहार मनाता था जो देवर और भाभी के पवित्र प्रेम का ये त्योहार माना जाता था, लेकिन ये हिंदुस्तान वहां तक पहुंचा कि जहां कहीं लखन जैसे देवर हुआ करते थे और माँ सीता जैसी भाभी हुआ करती थी, जिनकी निगाह में कभी माँ सीता का मुखमंडल नहीं आया, सदा उनकी नजर उनके पाजेब में हुआ करती थी। ये हिंदुस्तान यहाँ तक बदल के आ गया कि आज देवर भाभी के अनैतिक संबंधों की खबर जब अखबार में छपती है तो कहीं होली दागदार हो जाती है। मैं चार पंक्तियां होली पर समर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं, बदल कैसे गई होली, कहां तक होली बदल गई, अगर ठीक लगे तो होली पर मुझे बताइएगा, निवेदन करता हूं। कि रंगों की फुहार छूटी फागुनी बयार रूठी, रंगों की होली कैसे बदल गई, रंगों की फुहार छूटी फागुनी बयार रूठी, गलियों में बच्चों वाला शोर भी बदल गया, गुजिया अबीर लेके मिलते थे आपस में, द्वेष से वो भाईचारा प्रेम भी बदल गया, देवर लखन जैसे भाभी सीता माता जैसी, इतना पवित्र जहां नाता भी बदल गया, और हंसी खुशी मस्ती भूल सब नशे में डूबे हैं, होली का त्योहार अब देश में बदल गया। बहुत बहुत आभार आप सभी का, मन से आपने सुना, आनंद के साथ सुनिएगा। इसी प्रकार चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं। पिता भी बैठे हैं, पुत्र भी बैठे हैं, इन टीवी चैनलों से कुसंस्कार हमारे घरों में पहुंच रहे हैं, इन कुसंस्कारों का ही प्रभाव है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, ये विसंगतियां कैसे आई, निवेदन करता हूं, सुनेगा चार पंक्तियां। कि खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर, मेरे पड़ोस में एक पार्थिव आया था, उसके चार बेटे परदेश से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य उस पिता का कि चारों बेटे अपने पिता को दाह संस्कार करने को तैयार नहीं थे, कोई अपनी बीमारी का बहाना कर रहा था, कोई 13 दिन छुट्टी ना मिलने का बहाना कर रहा था। वो दृश्य आंखों पर रखिए और चार पंक्तियां संभालिएगा। कि खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर, परिवार वाले लोग नाचते बगाते हैं, बेटे की सवारने के लिए जिंदगी को रोज, माता पिता सपने भी कितने सजाते हैं, वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, समय बदला, वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं। और अंतिम पंक्ति में एक शब्द का दो अर्थ में प्रयोग किया है, अगर अंदर तक झकझोरे तो फिर हाथ खोल दीजिएगा। वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं, कंधे पे पिता ने जिन बेटों को घुमाया कभी, वही बेटे आज कंधा देने में लजाते हैं। बहुत सुंदर भाई, क्या मानवीय बात है, क्या बात, बेटों को घुमाया कभी। लेकिन हम रीवा सतना के लोग हैं, ये कटनी मध्य प्रदेश यहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ का संस्कार ज्यादा है थोड़ा। मैं एक कविता समर्पित करके अपना स्थान इन सबको भी आप तक पहुंचना है। रीवा सतना से हम सब आते हैं, वहाँ संस्कार ज्यादा है कुछ आदरणीय। हमारे यहाँ एक पार्थिव एक सज्जन गुजर गए, उनके दो बेटे थे, तो बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके संगम चले जाओ इलाहाबाद, हम तेरे हमी की तैयारियां कर लें। छोटू गया संगम इलाहाबाद तो 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, तो वहीं बाबूजी की अस्थियां नाले में निपटा के चला आया। अब जब लौट कर आया तो बड़ा वाला सोचा कि ये नहीं पहुंचा, तो वो भूमिका बांधने लगा सुबह कि छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको संगम इलाहाबाद नहीं पहुंचाया, तो कहां छोड़ा है बाबूजी को। अब छोटू का संस्कार देखिए, छोटू बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है, 500 किलोमीटर यहां दूर शिकायत करने चले आए, 10 किलोमीटर इलाहाबाद बचा था तो नहीं जा सकते थे वहां। क्या बात है भाई, क्या बात है। आइए
हंसी ठाक के अपनी जगह चलते रहेंगे। माताएं बहने बहुत विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं एक कविता जो मेरे परिचय की कविता है, मैं निवेदन करके अपना स्थान लेता हूं। केवल 1.5 से 2 मिनट, ताली आपने बजा ली है, बाह आपने कर लिया है, कोई ताली कोई बाह मत बजाइएगा, केवल 1.5 से 2.5 मिनट मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मेरे मन के साथ जुड़ जाइएगा। जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना, जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां तक गई। 2 मिनट 2.5 मिनट का चित्र बनाइएगा, छंद मुक्त रचना, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनेगा कि कल रात मैंने एक सपना देखा, चित्र बनाइएगा, कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे, पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान, महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कंधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा, अरे आओ देखो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। कटनी वालों में उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था, मैंने कहा अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर कन्या देवी की मूर्त है, अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वो इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा, इतना सुनते ही उसकी सिस्टियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी, बोली सच है पापा, अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां आएंगी, बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, तीन साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठिए तो रोकते खड़े हो जाते हैं, ऐसे समाज की कल्पना हमने क्या परमात्मा ने भी नहीं की रही होगी, बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अंतिम 4-6 पंक्तियां वो बच्ची मुझसे और क्या कह रही थी, विदा करिएगा, कि मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी, पिता के लिए पुत्री कभी बड़ी नहीं होती है, मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी, अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा, और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे, इसलिए क्षमा कर देना हे पिता, क्षमा कर देना, हम सब रोज बिटिया मांगते हैं लेकिन उस बच्ची का दर्द, हे पिता क्षमा कर देना, मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया ना मांग लेना तुम, धिक्कार है, अंतिम 4 पंक्तियां विदा करिएगा, धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। 2 पंक्तियां मैंने इस कविता में नई जोड़ी है, एक इशारा समझिएगा कहां से कहां तक जा रहा है, निवेदन करता हूं सुनेगा, वो बच्ची बोली हे पिता मेरा तन मन मेरी आत्मा, इशारा समझिएगा कटनी वालों, मेरा तन मन मेरी आत्मा उस वक्त और टूट जाएगा जब पापी 8 साल बाद भी नाबालिग बनकर फांसी से छूट जाएगा, जब पापी 8 साल बाद भी नाबालिग बनकर फांसी से छूट जाएगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने, अंतिम पंक्ति में स्नेह दीजिएगा, बहुत स्नेह दिया आप सबने, क्या किया था मैंने, आप जैसे कई पिताओं के सपने, एक सपना ही तो देखा था टिंकल आसिफा प्रियंका तमाम उन बच्चियों के पिताओं ने, विदा करिएगा, आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बहस्ती दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।